है एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे और जो भी एडिशनल नॉलेज होगी, मैं ट्राई करूँगी जो भी ट्रिक्स हैं मैं आपको शेयर कर सकूँ। और ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है PT 365, ये आपको आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने के लिए हेल्पफुल रहे। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ऑन कोर्स टू एक्सीड पेरिस क्लाइमेट चेंज IPCC, पेरिस क्लाइमेट चेंज कमिटीज़ और कमिटमेंट्स। सो इसकी अगर बात करते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिकॉज अगर बात करते हैं ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको याद हो तो ये गुड़गांव में है। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। सो इंडियाज NDC की बात करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव के 40% तक क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टेट कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल 2030 तक 40% का अचीव करने की कोशिश करनी है, और ये इंडिया का टारगेट है। उसके अलावा रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 33.35% फ्रॉम 2005 लेवल टू 2030। इसको रिडक्शन जो है उसका एमिशन रिडक्शन करना है। उसके अलावा टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लगाना है इसका। तो ये सारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसका इनिशिएटिव्स लेने हैं, जो भी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इंडियाज़ अचीवमेंट सो फार, जो अभी तक इंडिया ने काफ़ी, बिकॉज आप कह सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया काफ़ी हद तक काम कर रही है, और 40% तक अभी रिड्यूस कह सकते हो कि फॉसिल फ्यूल को यूज़ कम करके और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं हम। अभी तक के जो अचीवमेंट्स हैं, दैट इज़ अचीव्ड कोवेटेड माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को इंस्टॉल किया है 100 गीगावाट की। उसके अलावा 38.5% जो है पावर जनरेशन प्लांट कैपेसिटी जनरेट की है फॉर क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फोर्थ पोजीशन है वर्ल्ड में, और अगर आप बात कर सकते हो वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन री कैपेसिटी एंड 515 सोलर, अगर क्योंकि सोलर पंप्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा 2021 में न्यूज़ में रहा है, और 2022 में भी काफ़ी आप देख रहे होंगे, द हिंदू में भी आता रहता है आर्टिकल। तो सोलर पंप्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारे सोलर सिस्टम्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। सोलर ट्री भी देखा होगा आपने तमिलनाडु की साइड, फ्लोटिंग जो साउथ इंडिया में फ्लोटिंग सोलर पार्क वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है, सो 28% से 2005 का जो लेवल था अगेंस्ट 35% का टारगेट है 2030 तक, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया बहुत आराम से कवर भी कर लेगा। और रिलेटेड अगर न्यूज़ की बात करते हैं, सो 110 दैट आर इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रही है NDC में, और दैट इज़ लिमिटेड कार्बन एमिशन के लिए। एंड चाइना और इंडिया जो है अभी तक जो भी डेडलाइन थी उसको मिस कर गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। और बिकॉज ये जो इनिशिएटिव है आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, सो इंडिया हैज़ लीडेड दिस जो सिस्टम है, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो ट्रीटी है उसको इंडिया लीड कर रहा है, और सब परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। सो व्हाई इट वाज इन न्यूज़, सो 26 जो ये नंबर हमें याद रखना है, 26 कॉन्फ्रेंस COP 26 इस बार हुई है और रिसेंटली थी, तो इसीलिए आपको इसमें पॉसिबिलिटी है कि हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ग्लासगो में है इसका जो होस्ट किया गया है। और उसके अलावा रिसेंटली दैट इज़ कंक्लूडेड, UK ने इसको होस्ट किया था एंड रिसेंटली कंक्लूडेड इट फ्रॉम देयर ओनली। सो अगर हम बात करते हैं डिटेल्स में, सो द कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड द 16th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस
पेरिस कॉन्फ्रेंस है, सर्विंग द मीटिंग ऑफ द पेरिस क्योटो प्रोटोकॉल CMP 16, ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट नंबर है। उसके अलावा थर्ड एमिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज इन द पेरिस एग्रीमेंट CMA 3, ये भी याद रखना है। सो COP 26 होल्ड सिग्निफिकेंस, जो इसका सिग्निफिकेंस है, फाइनलाइजेशन द पेरिस रूल बुक एंड फॉलोइंग 2019 टू जो COP 25 थी समिट, दैट इज मैड्रिड में जो हुई थी। सो विच मे इशूज एंड हैड नॉट बीन एग्रीड एंड हैड बीन पुश्ड इन टू द नेक्स्ट ईयर अंडर द रूल 16 ऑफ द UN क्लाइमेट प्रोसेस, तो उसके लिए जो है आगे जो एग्रीमेंट नहीं किया गया था, और उसी की डिटेल्स हैं यहाँ पे। इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्फ्रेंस एंडेड विद ऑल 197 पार्टीज टू UNFCCC एग्रींग टू ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, GCC का जो क्लाइमेट पैक्ट है, 197 पार्टीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया है, और इसमें जो है ग्लोबल एग्रीमेंट है विच विल एक्सेलरेट एक्शन ऑन द क्लाइमेट दिस डिकेड एंड कम्प्लीट द पेरिस रूल बुक। जो पेरिस रूल बुक में जितने भी आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट्स हैं और जितने भी पॉइंटर्स हैं उस पर एग्री की गई है 197 कंट्रीज, एंड उसका जो इम्पैक्ट है, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 तक हमें, हमारा एम है कि इतने तक हमें रिडक्शन करना है या फिर इतने तक एक टारगेट है, सो उसी के लिए एज एग्रीड अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, सो कट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन 45% तक 2030 तक करना है, और उसके अलावा ज़ीरो ओवरऑल बाय 2050 तक इसको ज़ीरो करना है। तो ये सारे जो एग्रीमेंट थे उसके बारे में बात की गई है, और 1.5 डिग्री जो है रूल बुक कह सकते हो कि उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बिकॉज इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जो ग्लेशियल शीट्स हैं, तो आज के चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा NCERT का जो 8th चैप्टर है, तो जो भी ग्लेशियर शीट्स हैं या फिर आइस शीट्स हैं वो पिघल रही हैं, और उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एनवायरनमेंट को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। उसी की वजह से यहाँ पे इंटेंट ग्लोबल ऑफ COP 2060 में जो कुछ टारगेट्स हैं, नेट ज़ीरो 1.5 डिग्री का जो टेम्परेचर पे कंट्रोल करना है, उसके अलावा कंट्रीज़ आर कॉल्ड ऑन टू रीच नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 एंड टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 1.5, जो इंक्रीज़ हो रहा है 2 डिग्री हर साल अगर इंक्रीज़ होगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इसको 2 से कम करके 1.5 तक मैक्सिमम हो, और हर कंट्री को कोशिश करनी है कि ज़ीरो नेट ज़ीरो एमिशन हो, कि अगर आप जो एमिशन कर रहे हो उसके बेसिस पे या तो आप ट्री लगा रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो कि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स की बात करें, स्टेट्स आर एनकरेज टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर इकोसिस्टम एंड बिल्ड रेजिलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू विदस्टैंड क्लाइमेट चेंज। कोलेबोरेशन की बात करते हैं, COP 26 में जो भी पेरिस रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग काम करना, जितने भी आपस में आप कह सकते हो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के या हाथ बढ़ा के एक दूसरे की तरफ, और एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाया जा सकता है, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, बिकॉज एमिशन हर कंट्री कर रही है, और डेवलप्ड जो भी सर्वेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा एमिशन कर रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलाइज फिनेंस, सो डिवेलप्ड नेशंस आर आस्क्ड टू मोबिलाइज $100 बिलियन US dollar इन क्लाइमेट फाइनेंस एज ईयर फॉर पुअर नेशंस सो टैकल क्लाइमेट चेंज। तो $100 US जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को मोबिलाइज करेंगी फाइनेंस, जिससे कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फाइनेंस प्राप्त कर सकें उनसे, या फाइनेंस मिल जाए उनको, और उसकी वजह से जो भी मेजर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ ले सकती हैं या ले पाएँ। उसके अलावा एरियाज ऑफ डिस्कशन, इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस एंड डेवलपमेंट एम्बिशन बाय द एंड ऑफ COP 26 एम्बिशन 153 कंट्रीज एंड सबमिटेड न्यू क्लाइमेट प्लान नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या NDC कह सकते हो आप। तो 153 कंट्रीज ने सबमिट किया है COP 26 के लिए, तो ये एम्बिशन है कि उसको 2030 तक जितना भी स्लैश
देयर एमिशन या उसको कम करने की बात हो रही है. कंट्रीज रिक्वेस्टेड टू रिविजिट एंड स्ट्रेंथन देयर क्लाइमेट प्लेज बाई एंड ऑफ 2022. इसका जितना भी काम कर रहे हैं एम्बिशन है इस कोप 26 की जितना भी अभी तक जो भी आपने काम किया है तो उसकी जो भी प्लेज है या फिर आप शपथ लो 2022 के लास्ट तक या दिसंबर तक आप कह सकते हो कि कितना ज़्यादा चीज़ों पे काम हो गया है और कितनी चीज़ें बची हैं, तो ताकि ये होगा कि 2030 तक हर कंट्री अपना टारगेट पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करे. नोबडी विल मिस दैट टारगेट. उसके अलावा टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल. तो फर्स्ट एवर कोप डिसाइड्स टू एक्सप्लिसिटली टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल, बिकॉज फॉसिल फ्यूल में बात करते हैं कोयले की, पेट्रोलियम की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका रिडक्शन, बिकॉज दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. उसके अलावा अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर से हम रीजनरेट नहीं कर सकते, हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं. उसके अलावा पेट्रोलियम के लिए भी सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है उससे और एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है. एडेप्टेशंस की बात करते हैं, कंट्रीज हैव बीन अर्ज टू एटलीस्ट डबल दियर कलेक्टिव प्रोविजंस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एडेप्टेशंस फ्रॉम 2019 लेवल टू 2025. तो जो भी एडेप्टेशन प्लान्स हैं या जो भी कंट्रीज हैं जितना एमिशन को कम कर सकें और जितना क्लाइमेट के लिए जो भी फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करना और उसके अलावा जितने भी अडेप्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रख के ही काम करें. उसके अलावा 352 US million वर प्लेस्ड फॉर यूएन नेशन अडेप्टेशन फंड के लिए एंड सिंगल मोबिलाइजेशन टू द फंड. द फंड हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग focused exclusively on adaptation projects and also being 100% grant based rather than providing loans to poorer nations. तो grant दी जाएगी क्योंकि loans क्या होता है कि आप environment को protect करने के लिए loan लोगे या फिर जो आपकी country में economic crisis हैं या जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए loan लोगे, उनको खाना provide करना, resources provide करना, तो economy को चलाना इतना आसान नहीं होता. similarly यही सारी चीज़ें इसमें बात करी गई है. so Sharm El Sheikh work program on the ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज, स्ट्रेंथन रिजिलियंस एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ पीपल एंड द प्लानट टू अडेप्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. उसके लिए तैयार करना, चाहे हमारी बॉडी हो, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिकॉज आज के टाइम में घर से अगर बाहर निकलोगे तो कितनी प्रॉब्लम होती है, तो जिनके पास पंखे, कूलर और शेल्टर भी नहीं है, तो वो अपने आपको किस तरीके से अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. और उसके अलावा अगर हम भी दे जिसके पास एसी, कूलर, फैन है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर आप बाहर निकलोगे तो आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत रहती है. तो ये सारी चीज़ों के लिए अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज करने की बात करी है, ये जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं. इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अंडर आर्टिकल 6 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 6 विच कवर्स मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. आर्टिकल 6 में जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, सो वॉज फाइनलाइज्ड एंड की डिसीजन जो है वो नीचे दिया गया. कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल सिंस 2013 अमाउंटिंग टू 32 मीटर टन्स ऑफ CO2 equivalent to will be carried over into the Paris mechanism but must be used by 2030 तक यूज़ कर सकते हैं इसको. और उसके अलावा 5% ऑफ प्रोसीड्स अंडर ट्रेडिशनल मार्केट मैकेनिज्म आर्टिकल 6 clause 4 मस्ट मैंडेटरीली गो टूवर्ड्स फंडिंग adaptations और contribution funds towards adaptation under bilateral trading of credit between countries. Article 6 clause 2 is voluntary, जो भी contribution है, जो भी funding adaptations के लिए. उसके अलावा avoidance of double counting in which more than one country could claim the same emission reduction or counting towards their own climate committees. Because जो आपने देखा होगा कि जो zero emission के लिए एक country ने अगर इतना emission कर दिया है तो दूसरी country ने अगर वो emission को बचा रखा है तो एक दूसरे को carry forward या फिर transfer कर सकते हैं, उसके बदले में जो भी उनकी जो deal होगी वो कर सकते हैं. तो इसी पे
बेसिस ये डिस्कशन है. एक्सक्लूजन ऑफ द यूज़ ऑफ क्रेडिट जनरेशन हिस्टोरिकली बिटवीन 2015 एंड 2021 फ्रॉम रिड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन अंडर यूनाइटेड नेशन स्कीम एज रेड RED+. सो 2015 से 2021 में जो भी डिफॉरेस्टेशन है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उसको एक्सक्लूसिवली उस पर ध्यान भी रखना है. और लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं. लॉस एंड डैमेज ग्लासगो डायलॉग क्रिएटेड ऑन फंडिंग फॉर लॉस एंड डैमेज, उसके लिए फंडिंग क्रिएट करना. डेवलप्ड कंट्रीज प्लेज टू सपोर्ट द सैंटियागो नेटवर्क, a website set up by the UNFCCC with links to organizations such as development banks that could support loss and damage. तो उसको support and damage को support वगैरह करना. और उसके अलावा rules of transparency of climate action and support. So all countries agree to submit information about their emission and finance, technological and capacity building support किया जाए. on common stabilization sets ऑफ फॉर्मेट्स एंड टेबल्स. उसके अलावा कॉमन टाइम फ्रेम्स, कंट्रीज वर एनकरेज टू यूज़ कॉमन टाइम फ्रेम्स फॉर दियर नेशनल क्लाइमेट कमिटीज़. तो उसके लिए सेम टाइम वगैरह यूज़ करना. दिस मीन्स दैट न्यू NDCs दैट कंट्रीज पुट फॉरवर्ड इन 2025 शुड हैव एन एंड डेट 2035. इन 2030 दे विल पुट फॉरवर्ड कमिटमेंट्स जैसे कि 2040 के एंड तक में है. तो ये सारी चीज़ें जो भी टारगेट्स हैं अपने जो एक्चुअल टारगेट है उससे पहले लेके रखें ताकि जो भी हमारे टारगेट्स हैं उसको हम इजीली अचीव कर सकें. अगर हम ग्लॉसरी यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ जो भी वोकैबुलरी है. सो इट रेफर्स टू इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट कांट बी अडेप्टेड टू एंड वेयर लॉसेज आर परमानेंट. इट कवर्स बोथ स्लो वन सेट प्रोसेस लाइक सी लेवल एंड टेम्परेचर राइज एंड एक्सटेंड्स इवेंट सच एज फ्लड, हरिकेन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह के जितने भी लॉस एंड डैमेज हैं उसके. क्योंकि इसमें क्लाइमेट चेंज में एडेप्टेशंस क्या करोगे, ये तो सारे जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हैं. तो इसका जो भी इम्पैक्ट है उसको एडेप्टेबिलिटी में या जो भी लॉसेज हुए हैं उसको कैसे अडेप्ट किया जा सकता है. सो मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6, इट कंटेन्स 3 सेपरेट मैकेनिज्म. नंबर 1 इज वॉलंटरी कॉपरेशन टुवर्ड्स क्लाइमेट गोल्स विद अ ओवर ओवरआर्किंग एम्स ऑफ राइजिंग एम्बिशंस. टू ऑफ द मैकेनिज्म्स आर बेस्ड ऑन मार्केट एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन नॉन मार्केट अप्रोचेस. उसके अलावा अगर आर्टिकल 6 सब क्लॉज 2 गवर्न्स बायलेटरल कॉपरेशन वाई इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स विच कुड इंक्लूड एमिशन कट्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CO2 एंड किलोवाट्स आवर्स ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी. जो भी एक्सचेंज हैं कंट्रीज के बीच में और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स बुक कह सकते हो आप वो सब बनाए गए हैं उसके बारे में है. सो आर्टिकल 6.4 विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट फॉर द ट्रेड ऑफ एमिशन कट्स. उसके बारे में जो एमिशन कट है या ट्रेडिंग है तो उसके बारे में बात की गई है. क्रिएटेड बाय द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है उसको ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रखते हुए काम करना है. आर्टिकल 6 सब क्लॉज 8 या 6.8 सॉरी दिस इज़ लाइक नॉट पॉलिटी, ये जो उसकी आप कह सकते हो रूल बुक है उसके हिसाब से है. सो आई मिसटुक दैट. सो दिस इज़ आर्टिकल 6.8 ऑफर्स अ फॉर्मेट फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कॉपरेशन बिटवीन कंट्रीज. जो भी आपस में जो भी सामंजस्य कह सकते हो हिंदी में, तो सामंजस्य जो स्थापित किया जाता है वेयर नो ट्रेड इज़ इन्वॉल्व सच एज डिवेलपमेंट एड. तो ये सारा था. उसके अलावा अगर हम बात करते UNFCCC की, सो इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी इस्टेब्लिश इन 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड दैट इज़ इन्फोर्स्ड इन 1994. इट इज़ अ रियो कन्वेंशन वन ऑफ द टू ओपन
फॉर सिग्नेचर एट द रियो समिट 1992 में ओपन हुई थी. एंड द रियो कन्वेंशन डेराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डिवेलपमेंट UNCED ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट या फिर आप कह सकते हो हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में हुआ था. उसी में ये आप कह सकते हो कि रियो कन्वेंशन या फिर UNFCCC प्रॉपरली एस्टेब्लिश होके और इन्फोर्स किया था 1994 में. इट इज़ सिस्टर रियो कन्वेंशन एज द UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी UNCBD काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. एंड द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन या आप कह सकते हो कि जितना भी पेड़ों को काट के या फिर वनों को काट के जो आप कह सकते हो कि डेजर्ट या बंजर भूमि रेगिस्तान बनाया जा रहा है उसको उसको बचाने के लिए और उसको बचाने की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको ध्यान में रख के ही जितनी भी सारी स्कीम्स हैं वो चलाई जा रही हैं. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन. तो जितना भी जो बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट तो उसको कम करना और जितना भी उसको कॉन्सेंट्रेट करना. एंड एटमोसफियर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजोनिक इंटरफेरेंसेस. जितने भी ह्यूमन के द्वारा जो बनाया जा रहा है या ह्यूमन के द्वारा जनरेट हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करना और कॉम्बैट करना और जो भी क्लाइमेटिक सिस्टम है उसको मेंटेन करना. और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइम फ्रेम सफिशिएंट टू अलाउ इको सिस्टम टू अडेप्ट नेचुरली टू क्लाइमेट चेंज टू इंश्योर दैट फूड प्रोडक्शन इज नॉट थ्रेटन्ड टू इनेबल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टू प्रोसीड इन अ सूटेबल मैनर. तो अच्छे से उसको मेंटेन करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट करना. लोकेशन ऑफ UNFCCC बॉन जर्मनी में है और मेंबरशिप की बात करते 197 कंट्रीज़ हैं अभी में. तो अपडेटेड न्यूज़ है ये, आपको याद रखनी है. जो भी नंबर एज सच आपको नंबर तो नहीं दिए जा सकते बट स्टिल किसी भी ऑप्शन में इनडायरेक्टली नंबर अगर दिया जाए तो फिर हमें ध्यान होना चाहिए. द सेक्रेटेरिएट प्राइवेट अगर बात करते हैं द सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड असिस्ट द एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय द पेरिस एंड सॉरी रिपोर्टेड बाय द पार्टीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो मैकेनिज्म. तो क्योटो मैकेनिज्म और जितने भी एक्सपर्टीज हैं उसको जो पूरे मैकेनिज्म हैं और जो भी पार्टीज हैं उन सबको गाइडेंस प्रोवाइड कराना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना और जो क्योटो मैकेनिज्म है उसको समझाना. UNFCCC सेक्रेटेरिएट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है UNFCCC एंड इट इज़ ऑल्सो मेंटेन बाई द रजिस्टर फॉर द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC एस्टेब्लिश अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. तो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ये जनरेट हुई है. सो की एग्रीमेंट की बात करते हैं कि ये एग्रीमेंट एस्टेब्लिश अंडर द कन्वेंशन क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं. और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप क्या है? तो कॉप है द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है. दैट इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन. ऑल स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू द कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट कॉप. तो कॉप में मीटिंग में बुलाए जाते हैं और रिप्रेजेंट किए जाते हैं. इट मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड्स अदरवाइज. बिकॉज सारी पार्टीज मिलके हर साल कॉप 7 जैसे अभी 26 थी उससे पहले 25 थी तो हर साल एड ऑन्स होते हैं और हर पार्टी को आपस में बात करके और डिसाइड किया जाता है और फिर जो भी कंट्रीज उसको रिप्रेजेंट करती है हर बार किसी न किसी को उसको रिप्रेजेंट करने का चांस दिया जाता है. अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल CMP overseas implementation of the Kyoto Protocol and takes decision to promote its effective implementation. तो जो भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है उसको उस पर काम करती है. एंड ऑल स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल आर रिप्रेजेंटेड एट द CMP वाइल स्टेट्स दैट आर नॉट पार्टीज पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर. बिकॉज जो पार्टीज नहीं हैं या फिर जो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं वो ऑब्जर्वर के तौर पर मीटिंग अटेंड करती हैं या फिर ऑब्जर्वर की तरह आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं. कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पार्टी एग्रीमेंट CMA. तो ओवरसीज
इसमें बात की गई है, ओवरसी दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीज एग्रीमेंट एंड टेक्स डिसीजन टू प्रमोट इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। आपस में जो भी एग्रीमेंट है या पेरिस एग्रीमेंट है उसको जो भी इम्प्लीमेंटेशन और उसको इफेक्टिव किया जाए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके जो भी डिसीजंस हैं। ऑल स्टेट दैट आर पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट आर रिप्रेजेंटेड एट द CMA, वाइल स्टेट दैट आर नॉट पार्टीज पार्टिसिपेट्स आर ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की तरह जो जो कंट्रीज पार्ट नहीं है, जो पार्टीज नहीं हैं पार्टिसिपेट की गई, तो वो ऑब्जर्वर की तरह होती है या पार्टिसिपेट करती है। प्लेज डिक्लेरेशंस एंड एजेंडास रिलीज एट कॉप 26 में जो भी बात करी कि बैक थ्रू एजेंडा है, सबसे पहले इज़ इट अ सिग्नेचरी, तो जो सिग्नेचरी हैं दो सिग्नेचरीज मेंशन की गई हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो क्रॉस में है आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जस्ट आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली डिस्कशन क्या हुआ। बैक थ्रू एजेंडा है, इट कमिट्स कंट्रीज टू वर्क टुगेदर, तो एक तो साथ साथ में काम करना है। मेक क्लीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल सोल्यूशंस होना चाहिए, मोस्ट अफोर्डेबल एक्सेसिबल एंड अट्रैक्टिव ऑप्शंस टू ईच एमिटिंग सेक्टर, चाहे पावर सेक्टर हो, रोड के लिए हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो, स्टील के लिए हो, और उसके अलावा एग्रीकल्चर। सो 2030 तक जो भी मीन्स और जितने भी तरीके अपनाए जाएंगे एमिशंस के लिए, जितने भी सेक्टर के लिए, तो वो सारे अफोर्डेबल होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए और अट्रैक्टिव ऑप्शंस होना चाहिए सबके लिए। उसके अलावा अगर सेकंड बात करते हैं, डिक्लेरेशन ऑन एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो एमिशन कार्स एंड वैन्स, नॉन ब्रांडिंग एग्रीमेंट अमंग गवर्नमेंट, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टूवर्ड्स ऑल सेल्स ऑफ न्यू कार्स एंड वैन्स बींग जीरो एमिशन ग्लोबली बाय 2040 एंड बाय नो लेटर दैन 2035 इज लीडिंग मार्केट्स। सो 2040 तक जितना भी ग्लोबल एमिशन है और जितनी भी कार वैन्स हैं वो सारा ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, और उसके अलावा उससे पहले 2035 तक जितना भी लीडिंग मार्केट है उससे पहले ही होना चाहिए, तो टारगेट हमारा हमेशा डेट से पहले का हो। सो ये टॉपिक था मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड ड्यूरिंग कॉप 2026, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। होप आपने पूरा वीडियो ठीक से ध्यान से देखा होगा और आप इसको एक दो बार डबल की स्पीड में रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम में जो भी रिलेटेड कॉप 26 से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स हैं वो आप इजीली ध्यान में रख पाओ। बिकॉज रटा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ पूरे ईयर का जो भी है आपको रिवाइज इजीली किया जा सकता है, एंड PT 365 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसीलिए। सो उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इंडियन पंचतंत्र, आई थिंक एक छोटे सा टॉपिक है उसको बात कर लेते हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये पांच प्लेज ली थी, या फिर पंचामृता के नाम से। तो इसमें सबसे पहले था कि जीरो नेट जीरो 2070 तक हम लोग कर देंगे, उसके अलावा इंक्रीज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट 2030 तक कर देंगे हम लोग। सो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है इंडिया की इसको लेके, एमिशन को लेके, तो शायद हम जो भी टारगेट्स हैं उन्हें पूरा कर पाएँ। मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नॉन टिल 2030 एंड रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनमी बाय लेस देन 45% बाय 2030। तो ये पांच पंचामृत थे और ये हमारे मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे कॉप 2026 के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।